नदी में सैलाब आया है, लहरें उफान मार रही हैं, बाल गंगा नदी किनारे सड़क कटकर सैलाब में समा रही है और तभी कटाव के साथ तीन दुकानें तिनके की तरह नदी में समा जाती हैं। पास खड़े डरे सहमे लोग तस्वीरों को कैमरे में उतार लेते हैं। जल सैलाब की ये भयानक तस्वीरें टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र से सामने आई है, जहाँ सड़क किनारे तीन दुकानें हुआ करती थी, वहाँ अब मलबे का ढेर लिए बाल गंगा नदी बह रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को एक बार फिर देख लीजिए। तीरे में आसमान से बरसी आफत ने बेहिसाब तबाही मचाई है। घनसाली के बूढ़ा केदार क्षेत्र में तीन दिन से हो रही भारी बारिश ने कहर बरपाया है। तबाही की ये तस्वीरें तोली गांव की हैं, जहां पहाड़ों से हुए लैंडस्लाइड के बाद एक मकान मलबे में समा गया। मलबे में दबने से मां और बेटी की मौत हो गई। ये हादसा रात 1:30 बजे हुआ, जिसके बाद SDRF की टीम ने मलबे में दबे शवों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। रेस्क्यू की ये तस्वीरें उसी दौरान की है। हादसे की सूचना मिलने के बाद टिहरी DM मयूर दीक्षित भी अफसरों के साथ घटनास्थल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। DM ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, वहीं ग्रामीणों की समस्याएं भी जानी। ग्रामीणों ने PWD के ठेकेदारों पर काम में लापरवाही का आरोप लगाया, जिस पर DM ने जल्द ही कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया। मेरी दुकान में है, यहाँ पे दो दुकान थी, राशन की दुकान थी और होटल था, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए था, रोजगार जुगाड़ा और ऊपर से फ्लैट आने के कारण सारा मलमा बैठ रखा है अंदर, पीछे से दीवार दब रखी है, सारा टूट फूट हो रखा है सर। देखिए, जो घनसाली बाल गंगा में काफी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, इस गांव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से दो हम जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर इन जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, उनका कहना है कि जो PWD ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर, जब बारिश ज्यादा हुई है, बादल फटे, तो उससे पानी ज्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में PWD ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर जो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है, जो गांव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाए। लैंडस्लाइड से हुए भीषण हादसे को लेकर तोली गांव के लोगों में खासा आक्रोश है। गांव का एक गुस्सा घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह और प्रशासन पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि वो लोग लंबे समय से आपदा की मार झेल रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। बहुत साल हो गया, 43 साल हो गए, पहले भी वैसी स्थिति हुई है, बार बार स्थिति होती जाती है। सरकार को ध्यान नहीं देते, क्या करना, हमने कहाँ जाना है, अब सरकार तो सुनती नहीं हमारे। क्या हम लोगों समय कहा कि हमको कहीं जगह दे दो, पिछली बार सरकार ने कहा दिया जगह, इसी आज में बोल मंदिर के पीछे बोले कहीं सरकार की वहाँ रहा होता है सरदार साहब, वहाँ कहाँ है जाए। और विस्थापन का जो विषय है, विस्थापन के लिए हमने कोर्ट को पूर्ण रूप से विस्थापन कर दिया, 28 लोगों का हमारे पास फिर पैसा आ गया, उसको हम पूरा विस्थापन किया। यहाँ भी मैंने अभी DM साहब से कह दिया, यहाँ आप देखिएगा जहाँ स्थिति खराब है, कितने परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करेंगे। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनर्वास के लिए, विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन प्राप्त होगी उन लोगों को हम विस्थापन करें। अब ये तो क्या करें, अब हमारे लिए तो संकट है, अब मांग भी ग्रामीणों की है, फिर दिक्कतें भी होती हैं। अगर इसका विरोध था तो मैं इसकी जांच करा देता हूँ। ग्रामीणों का आरोप है कि PWD के ठेकेदारों ने विनख्याल जाखना तोली रिंग रोड को गलत तरीके से काटा है, जिसकी वजह से रोड कमलबा उनके घरों में घुस रहा है और इसी मलबे में दबने से दो लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। खतरा है सारी, पीछे से दीवार टूट गई सारी और उसमें जो है ये जो हो सकता है कि पीछे की जो है दीवार टूट करके पीछे वाले जो है खारी दीवार लगा रखे ना, वो टूट सकती है और हमारा खतरा है। तोली गांव के लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बारिश के मौसम में मलबा गिरने का सिलसिला जारी है, जिससे अन्य परिवारों पर भी खतरा मंडरा रहा है।
दिक्कत है, वहाँ मकान टूट जाए तो हम दब जा रहा, बहुत परेशान रहे हम, बच्चे बच्चे सब दूसरे के घर पे जा रहे हैं वहाँ। तो अभी भी खतरा बना हुआ है? खतरा बना हुआ है कि बन गया खतरा। टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकास खंड में बादल फटने से भारी तबाही हुई। जीपीयूएस भिगून के ऊपर बादल फटा जिससे पूरा जीपीयूएस परिसर ध्वस्त हो गया। बीईओ ने हालातों को देखते हुए भीलगंगा ब्लॉक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं टिहरी डीएम मयूर दीक्षित आपदा के हालातों पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने तमाम अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, पहाड़ों से पानी के साथ ऐसा मलबा आया जिससे पूरा स्कूल क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं नदी पर बने पुल का एक हिस्सा भी बह गया। नदी के उफान की वजह से जमीन का कटाव शुरू हो गया है जिससे कई जगह सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तोली गांव के बाशिंदों के लिए तबाही वाली ये आफत कोई नई नहीं है, वो हर साल ऐसी ही आपदा झेलते आ रहे हैं। बारिश के मौसम में ये लोग हर पल खौफ के साए में जी रहे हैं। आधी रात को आए मलबे ने इन्हें एक बार फिर खौफ से भर दिया है। इस बार ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। अब देखना होगा कि सरकार ग्रामीणों की समस्या दूर करेगी या हर बार की तरह इस बार भी आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।